मैं बताने वाला हूँ कोरोना वायरस के बाद। ओके। तो चलो बताते हैं कोरोना वायरस कैसे आया। चाइना से आया है और हमें बीमार कर, हम किसी को भी आदमी को छूते हैं तो हम भी बीमार हो जाते हैं, इसीलिए ये कोरोना वायरस है। हमें इस कोरोना वायरस को पीट पीट कर इनको हराना है। ये हमें हमारे पूरे देश में आए, ये हमें और हमारे हाथ, हमारे दोनों हाथ में ये कोरोना वायरस आते हैं और ये छिप जाते हैं। तो हमें सैनिटाइजर लगा के जल्दी से वो कोरोना वायरस को साफ कर देता है, तो हम बच जाते हैं कोरोना वायरस से। और दूसरा कोरोना वायरस से जो वो यंग कर का होता है, वो हमको कभी कभी हवा बीमार करने वाला है। और हमारे डॉक्टर है जो हमें ठीक करते हैं, हमें चोट से जल्दी से ठीक करवाते हैं। वो मेरे अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। ओके। हाँ। और हाथ कैसे धोना चाहिए? हाथ सेनेटाइजर, जैसे आपके आपके पास जो सर्विस है उसे धोए, पहले सेनेटाइजर करी, ऐसे हैंड वॉश सब कुछ धो, और साथ में सेनेटाइजर और हैंड वॉश नहीं धोना है तभी कोरोना वायरस को कुछ नहीं होता। इसी आप बस सैनिटाइजर लगाए करें और बस सैनिटाइजर के बाद ऐसे हैंड वॉश नहीं लगाया करें, क्योंकि इससे भी इससे कीटाणु हो जाते हैं। इसी आप बस सैनिटाइजर हैंड वॉश कैसे करते हैं? हैंड वॉश ऐसे 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 और ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे करते हैं। सब बाहर जाए तब सोशल डिस्टेंस से रखे, दूर रहे किसी से, किसी को छोड़ोगे तो आप बीमार हो जाओगे, इसलिए बाहर मत जाओ, क्योंकि कोरोना वायरस से मास्क लगा के जाएंगे तो उसके लिए हमें उनको मास्क लगा के हराना पड़ेगा। पीठ पीठ के बन के पास इसमें सारे कोरोना वायरस है और हमें कैसे बदलें ये हमें रास्ता पता है। तो कोरोना वायरस से कौन कौन लड़ रहा है? कोरोना से पूरी जनता है ये हमारी, और हम उनको हमको हम उनको कभी नहीं हार देंगे। हमारा इंडिया चीन हमको हराने की ये कोरोना वायरस। और डॉक्टर भी तो लड़ रहे हैं। हाँ डॉक्टर लड़ रहे हैं। और पुलिस वाले लड़ रहे हैं। पुलिस वाले भी लड़ रहे हैं। और कौन लड़ रहा है? और कोई नहीं लड़ रहा, बस वो तो मोदी जी बीमार है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमें कोरोना वायरस से पूरी जनता को बचना है, को बनता है, और हमें इस कोरोना वायरस को इस जनता से बाहर करना है। और ये हमारी जनता है, ये हमारा मैप है, हमारी जनता है, और हम इस कोरोना वायरस को मास्क लगा के ही हरा पाए। आप सबको अपने फोन में चाइनी ऐप का यूज नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू।